हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमीशन वर्क के बारे में। रिसेंटली मेरे को एक कमीशन वर्क मिला था, तो मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वो कमीशन वर्क होता क्या है। कोई भी पेड वर्क जो हमें कस्टमर से थ्रू मिलते हैं वो हमारे कमीशन वर्क होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ यही कमीशन वर्क है। अगर आपको कोई लैंडस्केप बनवाना है, कोई पेंटिंग बनवानी है, या आपके किसी पेट की ड्राइंग बनवानी है, कोई बहुत से लोग जो है वो भगवानों की फ़ोटो बनवाते हैं, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब कमीशन वर्क के बारे में उसमें आते हैं। जो भी हम पेड होता है वर्क वो कमीशन वर्क होता है। तो लास्ट मंथ मेरे को एक कमीशन वर्क मिला था अपने एक क्लोज़ फ्रेंड के थ्रू। तो टास्क ये था कि उसमें दो फ़ोटोज़ को ज्वाइन करना था, दो डिफरेंट फ़ोटोज़ थी, उनको एक ही फ्रेम में हमें ड्रॉ करना था और कलर था। तो आज से पहले मैंने ये ट्राई नहीं किया था कभी, तो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो मैंने ये किया, उनको सेंड किया, तो उसको किसी को गिफ्ट करना था ये। तो जिनको उसने गिफ्ट किया उनका क्या रिएक्शन था मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो 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 रजनीश, हाय, व्हाट्स अप ब्रो। आई नीड अ पिक्चर ऑफ माइन फ्रॉम योर साइड। आई हैव जस्ट सीन वन ऑफ योर वर्क एंड इट्स ऑसम, इट्स प्रीटी ऑसम ब्रो। यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट मैन। इट्स सो सो रियलिस्टिक, सो सो रियलिस्टिक लिटरली मैन। सो आई जस्ट वॉन्ट अ सेम थिंग फॉर मी ब्रो। प्लीज डू इट, प्लीज। आई वॉन्ट अ फेवर, आई वॉन्ट अ पिक्चर ऑफ माइन like a same as you did on this one, and Hello? the size would be the big. So I'll talk to you about it soon. Thanks man. तो उनको ये स्केच काफ़ी पसंद आया और सबने बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पे स्केच को। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को दो कमीशन वर्क और दिए। तो उनको ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आया, सेम ही पर्सन के थे। वही एक कलर बनाना था मेरे को A3 साइज़ में, और एक मेरे को A4 साइज़ में बनाना था, जिसमें फिर से दो पर्सन को मेरे को ज्वाइन करना था। और इस बार ब्लैक एंड वाइट बनवाना था, मीन्स उनको पेंसिल, सिंपल पेंसिल स्केच बनवाना था। तो मैंने वो बनाया और वो उनको सेंड किया। तो इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ नहीं किया है। तो मैंने इसके लिए सिंपल जो कलर वाले थे दोनों, मैंने डोम्स के जो कलर्स आते हैं हमारे सिंपल, ये 24 शेड्स का जो है हमारा, 100 रुपीज़ का है शायद ये, तो मैंने यही यूज़ किया था। और जो A4 बनवाया था, A4 बनाया मैंने पेंसिल स्केच, उसके लिए मैंने आइवरी का ये 25 शीट्स वाला यूज़ किया है मैंने, 210 GSM का है। और जो मैंने A3 बनवाया था, जो मैंने फर्स्ट पोर्ट्रेट बनाया था जो कमीशन वर्क था और सेकंड था, दोनों के लिए मैंने आइवरी का ही यूज़ किया है ये A3 साइज़। ये भी 210 GSM का है, इसमें भी 25 शीट्स हैं। तो इनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से मटेरियल मैंने यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं क्या उनका फाइनल रिएक्शन था जब मैंने उनको सेंड किया न्यू ईयर के टाइम पे। तो लेट्स सी। ये रजनीश आर्ट गैलरी से कुछ आया है स्पीड पोस्ट से, मेरा न्यू ईयर गिफ्ट। तो देखते हैं क्या है इसमें। टू मच रजीश भैया, ये थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। ये स्केच बनाया है हमने मेरे डैड की फोटो का। वाओ, एक और स्केच मेरा और मेरे डैड का। थैंक यू सो सो मच रजीश भैया। ये भी देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल बनाया है उन्होंने। थैंक्स अ लॉट। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रियल बनाया है। थैंक यू सो मच रजनीश भैया। ये रजनीश आर्ट गैलरी से आया है मेरे लिए, काशीपुर से। थैंक यू। तो आपने वीडियो में देखा कि उन काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश थे वो जब उन्होंने ओपन किया, उनको काफ़ी अच्छा लगा स्केच। तो अगर आपको भी अपने किसी भी रिलेटिव का या फिर किसी भी लव्ड वंस का अगर स्केच बनवाना है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और
काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारा कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन जो हमसे स्केच बनवाता है उसका अगर पॉजिटिव फीडबैक मिले तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है और वो अदर जो वर्क्स है उस पर हमारा दिखता है वो कॉन्फिडेंस और काम अच्छे से निखर के आता है। सो इस वीडियो में इतना ही। कीप क्रिएटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।